आज हम आपको दो कलर में बॉर्डर बताएंगे। तो उसका देखिए, बॉर्डर बनाने के लिए हमने दो कलर लिया। कलर अपने पसंद से कोई भी ले सकते हैं। और ये हमने 10 नंबर सिलाई ली है। और ये बॉर्डर आप जैसे लेडीज ब्लाउज बनाते हैं उनका, उसमें भी डाल सकते हैं, बेबी जैकेट में भी डाल सकते हैं, कैप में भी डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं इसको। तो इसको बनाने के लिए हमें 15 फंदों पर बनाएंगे। आपको चौड़ाई कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये 15 फंदे डाल लेंगे और उसके बाद हम कलर कैसे लगाएंगे वो बताएंगे। फंदे डालने का तरीका अपने हिसाब से कैसे भी डाल सकते हैं। ऐसे लेना है और ऐसे निकालना है। ये बहुत जल्दी डलते हैं फंदे, वैसे आपको आते हैं उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो 15 फंदे डालते हैं हम। ये हमने 15 फंदे डाल लिए। इसको एक सिलाई हम उल्टा उल्टा निकालेंगे, उल्टा ऐसे निकालेंगे। एक सिलाई हमने उल्टा उल्टा निकाल लिया। अब हम इसमें कलर ज्वाइंट कर रहे हैं। कलर हम हमेशा आपको उल्टी साइड में ज्वाइंट करना है। ऐसे लेंगे और तीन फंदे हम एक कलर ज्वाइंट करके इसके बना लेंगे। इसको ऐसे हम आगे की तरफ रखेंगे। तीन फंदे इस कलर के बना लिए, बाकी फंदे हम जो फंदे डालने उसी कलर से बनाएंगे। और इसको हम यही छोड़ देंगे। तीन फंदा ये निकाल के इस कलर से, बाकी फंदे हम इसी कलर से बुन लिए। अब हम सीधी साइड में, सीधी साइड में हमारा जैसा कलर है वैसे बनते हुए यहाँ तक आएंगे। सीधी साइड में जैसा कलर था वैसे बुन लिया। उल्टी साइड में, उल्टी साइड में हमें तीन फंदे मैंने पहले इस कलर से बुने थे, अब तीन हम और बढ़ा देंगे। पहला फंदा उतारेंगे, ये इसी कलर से बुन लेंगे। ये तीन और बढ़ा दी। अब बाकी फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे पहले बुने जैसे, और फिर सीधी साइड में जैसा कलर है वैसे बुन लेंगे। और उसके बाद फिर इस साइड में आएंगे, तीन फिर बढ़ा देंगे। और फिर तीन फंदे बचेंगे जब तक हमें बनते हैं इसको, तीन तीन बढ़ा के बनाते हैं। हर बार में तीन फंदे बढ़ाने हैं।
ये हमारे देखिए तीन फंदे यहाँ से शुरू किया था, फिर अगली सिलाई में हम तीन फंदे बढ़ाए, फिर इसमें तीन बढ़ाए, फिर इसमें बढ़ाए, अब तीन फंदे हमारे बच गए। तीन को हम यहीं छोड़ देंगे, अब ब्लैक कलर हम ऐसे लाएंगे। अभी ऐसे बढ़ाते हुए ले गए थे, अब इसको तीन तीन बढ़ाते हुए इस साइड में लाएंगे और फिर पिंक का तीन छोड़ देंगे। तो अब हम उल्टी साइड में आएंगे और यहाँ तक हम पिंक का बनेंगे और उसके बाद ये तीन फंदे हम ब्लैक का बन लेंगे। यहाँ तक बुन लिया, अब ये तीन हम इस कलर के बुनेंगे, इसको इस साइड में लेंगे और इसको इस साइड में लेंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे। ये उल्टी साइड में जैसे बढ़ाएंगे इस साइड में उल्टी साइड में, और पहले भी हमने उल्टी साइड में बढ़ाई, अभी तीन तीन इस साइड में चलती रहेंगी। सीधी साइड में जैसा कलर रहेगा वैसा ही बुनेंगे और दोनों साइड हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये बॉर्डर हमारा उल्टा ही बुनेगा और ऐसे ये बॉर्डर चलेगा। अब सीधी साइड में आ गई, ऐसे ही अभी पिछली बार हमने तीन ये बढ़ाए थे, अब फिर तीन बढ़ा देंगे। तो यहाँ तक हम तीन तीन लाते हैं, तीन फंदे बचेंगे तब हम वापिस ऐसे कर देंगे जैसे हमने पिंक का पहले किया था। ऐसा डिजाइन हमारा बनता हुआ जाएगा। अब हम इस साइड में आ रहे थे, अब वापस इस साइड में जाएंगे जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था, ऐसे ही हमारा बॉर्डर चलता रहेगा। अब इसमें पिंक का हम तीन लास्ट में तीन तीन छोड़ने, जैसे तीन इस साइड में छोड़े थे फिर वापस आए थे, अब तीन ये छोड़ दिए, अब वापस इस साइड में उल्टी साइड में होंगे और ये तीन हमारे इसी कलर से बुन लेंगे और इसमें आगे तीन और बढ़ा देंगे। ऐसे चलता रहेगा ये, और ये जितना बनाएंगे जैसे हमारी कमर के हिसाब से, हम जैसे ब्लाउज का बना रहे हैं तो हमारा कमर का नाप लेके हम इसको इतना जैसे लंबा बनाएंगे और फिर इसको ज्वाइंट कर लें। तो ये तीन भर गए, अब हम बाकी का जैसे आगे का कलर है उसी से बुन लेंगे। एक बार इस साइड में ले जाना है तीन तीन बुन के और एक बार इस साइड में आना है। ऐसे बनता हुआ देखिए, थोड़ा और बनाते हैं, देखिए दोनों अच्छे से ये हमारे दिखाई देंगे। ये ऐसे बनता हुआ जाएगा, ऐसे लंबाई की तरफ ऐसे जाएगा और फिर हम जैसे बेबी स्वेटर बना रहे हैं
तो फिर ये जिससे अपने उसके बेबी का नाप लिख के ये पूरा बनाने के बाद यहाँ से फंदा उठा के ऊपर की साइड में बनाएगी और ये बॉर्डर हमारा ऐसे बनेगा। और ऐसे ही हम जैसे लेडीज वो बनाते हैं ब्लाउज, जैसे उनका ब्लाउज बनाते हैं उसका भी ऐसे बनाएंगे लंबा, फिर जैसे उसको कमर के हिसाब से ऐसे नापेंगे डबल करके, फिर यहाँ से बंद कर देंगे और फिर ये ऐसे बनाएंगे यहाँ ऊपर फंदे उठा के, और ऐसे ब्लाउज बनेगा। फिर यहाँ बंद करने कमर का नाप लेके और यहाँ से इसको बंद करने के बाद यहाँ से उठाएंगे, और बंद भी नहीं करना है तो आप ऐसे उठा के फंदे यहाँ से पूरा बनाने के बाद फिर लास्ट में सिलाई कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा दो कलर का बॉर्डर बनेगा। और कैप में भी ऐसे ही आप बना सकते हैं, ऐसे कैप का चारों तरफ का नाप लेके और ऐसे बॉर्डर बनाना है आपको, बॉर्डर की चौड़ाई कम रखनी है और फिर वैसे यहाँ से ज्वाइंट करके सर का नाप लेके और फिर ऊपर का भाग बनाना है। तो ऐसे हमारा दो कलर का बनेगा, बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।